वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच रोजाना कई खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है, कहीं गर्मी तो कहीं चर्बी उतारने की बात की जा रही है, वहीं कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की भी अब यूपी में एंट्री हो गई है। मुस्लिम महिलाओं की तरफ से हिजाब बैन को लेकर विरोध किया जा रहा है, तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी इस पर कई तरह की बातें बोली जा रही है। बात हिजाब से लेकर बिकनी तक पहुंच गई और इधर सपा की नेता ने हिजाब पर हाथ डालने वालों को हाथ काटने की धमकी तक दे डाली। लेकिन अब उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। ऐसी खबर ऐसी है जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। दरअसल कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कंपनी बाग चौराहे पर बने मां संतोषी के मंदिर से रातों रात माता की मूर्ति हटा दी गई। जी हां, सुबह जब इलाके लोगों को इसकी जानकारी हुई तो लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि करीब 25 वर्षों से इस जगह पर मां संतोषी माता का मंदिर यहां बना हुआ है, जो कि लोगों की आस्था से जुड़ गया है। इस घटना के बाद बजरंग दल के जिला संयोजक ने पहुंचकर कहा कि जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ बजरंग दल कड़ी कार्रवाई करेगा। लोग और माता के जो श्रद्धालु थे सब इकट्ठा होना चालू हो गए हैं। जानकारी के बाद हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है कि माता जी की मूर्ति को किसने हटाया है। क्षेत्रीय प्रशासन को भी सूचना हुई है, प्रशासन भी आ चुका है। जिन्होंने यह कृत्य किया है उन पर विधिक कार्रवाई और कठोर कार्रवाई बजरंग दल बिल्कुल करेगा। वहीं क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि केडीए के कर्मचारियों ने बिल्डर से मिलीभगत कर यहां से मूर्ति हटा दी है। वहीं हंगामे की सूचना पर नवाबगंज थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच गई। उधर केडीए के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जो कि मामले की जांच की बात कह रहे हैं। केडीए के अधिकारी कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। केडीए के अधिकारियों पर जो नक्शा है उसमें ये मंदिर आज नहीं दिख रहा है, जिसमें वर्षों पुराना ये मंदिर है। सारा पैसा खा के केडीए के भ्रष्ट अधिकारी और प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर ये जामा किया हुआ है, जिससे हमारे धन पर आज अटैक किया गया, हम लोग की आस्था पर अटैक किया गया है। ऐसी घटनाओं का सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी धर्म के लिए उसकी आस्था सर्वोपरि होती है। सबको अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार है, लेकिन कुछ समय से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा गया है। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के साथ भी बेअदबी के कई मामले पिछले दिनों सामने आए, जिसमें कई कड़ी कार्रवाई भी हुई है। अब हिंदू समाज और कानपुर में इलाके के लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।